नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। लोकायुक्त पुलिस ने एक बार पुलिस विभाग के कारनामों को उजागर कर दिया है। हद तो यह हो गई कि अब दो नंबर के काम करने वाले भी पुलिस से तंग आ चुके हैं, जिनके द्वारा ही अब लोकायुक्त पर भरोसा करते हुए शिकायत की जाने लगी है। नवागत लोकायुक्त SP के द्वारा पुलिस विभाग पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। इसके पहले एक निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस 20,000 रुपए की रिश्वत लेते आरक्षक को भरे बाजार में धर दबोचा है, जिसके हाथ रिश्वत के रंग में गुलाबी हो गए। जानकारी के अनुसार चौराटा थाने में पदस्थ आरक्षक अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनुरोध थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार संचालित करने वाले तुलसीदास कोल से थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार को संचालित करने की छूट देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। दोनों के बीच में 20,000 रुपए की माहवारी देने पर सौदा तय हुआ था। इस रुपयों में 15,000 रुपए थाना प्रभारी, 2,000 रुपए खुद अपने लिए और 3,000 रुपए स्टाफ के लिए मांग की गई थी। बताया जाता है कि रिश्वत लेने की शिकायत से पहले ही शिकायतकर्ता को कई बार परेशान किया गया था, जिसके चलते तंग आकर उसने आरक्षक के करतूतों की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से कर दी। शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह ठाकर ने शिकायत की सत्यता की जांच करवाई तो शिकायत सही निकली, जिसके बाद शिकायतकर्ता के माध्यम से आरक्षक को ट्रैप करने की योजना बनाई गई। उक्त कार्रवाई उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य निरीक्षक प्रमेन कुमार, निरीक्षक जियाउल हक, प्रधान आरक्षक मुकेश मिश्रा, पवन पांडे, धर्मेंद्र जायसवाल, प्रेम सिंह, शैलेंद्र मिश्रा, साहिद खान सहित करीब 15 सदस्यीय दल को जिम्मेवारी सौंपी गई। उक्त टीम के द्वारा फरियादी से आरक्षक को मिलने के लिए बुलवाया गया तो आरक्षक रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के नीचे रिश्वत के लेने के लिए पहुंच गया। जैसे ही शिकायतकर्ता तुलसीदास ने 20,000 रुपए आरक्षक को दिए तो पहले से ही मुस्तैद लोकायुक्त की टीम ने आरक्षक को धर दबोचा, जिसे पकड़कर राजनिवास लाया गया, जहां उक्त कार्रवाई की गई है। गोविंदगढ़ में पदस्थ तत्कालीन थाना प्रभारी SS बघेल और सहायक उप निरीक्षक के रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त लहजे पे हिदायत दी थी कि यदि कोई भी आरक्षक कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उक्त मामले में थाना प्रभारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे और कार्रवाई थाना प्रभारी पर भी हो सकती है। अगर पुलिस अधीक्षक अपने दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो निश्चित माना जा रहा है कि आरक्षक के द्वारा ली गई शिकायत में थाना प्रभारी के साथ अन्य स्टाफ भी नप सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है। वहीं लोकायुक्त के नवागत SP गोपाल सिंह ठाकर ने जिले में आमद देते ही पहली कार्रवाई पुलिस विभाग पर की थी, जिसमें गोविंदगढ़ थाने के निरीक्षक और उप निरीक्षक रिश्वत लेते पकड़े गए थे। इसके बाद पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारी, पंचायत सचिव, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और फिर एक बार एक आरक्षक पकड़ा गया। आपको बता दें कि 40 दिन में यह छठवीं कार्रवाई है जिसमें घूसखोरों की पैंट उतारी गई है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई कार्रवाई से रिश्वतखोरों में जहां हड़कंप मचा हुआ है, इसके बावजूद घूसखोरी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। वही जिले में रिश्वतखोरी कितना अपना भयावह रूप ले चुकी है, इसी से समझा जा सकता है कि अवैध कारोबारी भी लोकायुक्त से शिकायत करने लगे हैं। तुलसीदास, ये क्या घटना हुई, क्या मामला है, मतलब काहे के लिए पैसे मांगे गए थे? ये सट्टा बंद कर दिए थे और फिर बोले कि 20,000 दे दो, चालू कर लो। 15,000 हम टीआई साहब का और 2,000 सिपाही का। कौन है, किसके खिलाफ आपने शिकायत की? टीआई साहब है इनके, जिनको पकड़े हैं। कौन से थाने के हैं? चुराटा। क्या नाम है? अनुरोध। चुराटा के ये थाना प्रभारी नहीं है, सिपाही हैं। सिपाही है, ये थानेदार के नाम से मांगे थे। हाँ। कितना मांगे थे? 15,000 थानेदार के नाम से, या 2,000 सिपाही के नाम से, 20,000 टोटल दिए। आपने किसके खिलाफ शिकायत की थी? हैं? आपने लोकल, तुम्हें किसके खिलाफ शिकायत की थी? सिपाही या टीआई या सिपाही का। आज कौन पकड़ा गया है? अनुरोध। अनुरोध कौन है? सिपाही है। आप कहाँ सट्टा खिलाते थे? चुराटा। कहाँ पास? नारक पास। नारक पास खिलाफ। क्या नाम है आपका? तुलसीदास उर्फ बबलिया। पहले भी पैसा देते रहे होंगे आप? हाँ, पहले देते थे। कितना देते थे? वही 20,000 देते थे। 20,000 देते थे महीने में? जो नए थाना प्रभारी आए इनके समय भी दिए। हाँ, 15,000 जाता था पैसा। वो सिपाही ले जाते थे। कौन सिपाही? पहले दूसरे थे, अभी आए हैं।
पहले जो जिनको देते थे उनका क्या नाम था? उनका नाम तो दिलीप। दिलीप, और आप किसको देते हैं? इसमें एक शिकायतकर्ता है तुलसी दास जी, उनने जो है लोकायुक्त कार्यालय में रीवा में शिकायत दी थी कि उनके जो है पूर्व में जो है उसके सट्टा वगैरह चलाते होंगे, तो उसमें इन दोनों की कुछ आपस में बातचीत हुई थी कि हम 20,000 रुपये महीने देंगे और 15,000 रुपये देंगे या 10,000 देंगे, जो भी इनकी आपस की बातचीत थी उस आधार पर जो है उसको बहुत तंग किया जा रहा था थाने के आरक्षक द्वारा, जो अनिरुद्ध तिवारी हैं आरोप, उसमें उनके द्वारा उससे 20,000 रुपये थाना क्षेत्र में सट्टा चलाने के लिए डिमांड की गई थी। उस आधार पर जो है जो शिकायतकर्ता हमारे यहाँ तुलसीदास जी, उनने हमारे यहाँ जो है शिकायत की थी कि फला फला आरक्षक जो है अनिरुद्ध तिवारी इस प्रकार से परेशान कर रहा है और 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है, तो मैं उसको रुपये नहीं देना चाहता और मैं उसको पकड़वाना चाहता हूँ। उस पर सूचना पर जो है हमने उससे जो आवेदन दिया था उसमें हमने वर्कआउट किया, काम किया और संबंधित को उसको भेजा। आज उनका जो है 20,000 रुपये देने का तय हुआ था, तो शिकायतकर्ता द्वारा आज जो है आरोपी आरक्षक अनिरुद्ध तिवारी को 20,000 रुपये देते लोकायुक्त पुलिस के द्वारा रंगे हाथ अभी जो है पकड़ा गया है और उसमें अभी कार्रवाई जारी है। क्योंकि जो बातचीत है उसमें ये सारी चीज़ें संज्ञान में आई हैं, अब उसमें हम आगे विवेचना में भी देखेंगे, क्योंकि किसी का नाम लेने से कोई आरोपी नहीं बनता है। निश्चित रूप से हम इसको विवेचना में जरूर देखेंगे, क्योंकि उसने बोला है आरक्षक ने कि 15,000 TI साहब के, 3,000 हमारे, 1,000 ड्राइवर के, 2,000 हवलदार साहब के, इस टाइप से एक अलग बाइफरकेशन है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर उनका रोल होगा तो उनको आरोपी बनाएंगे और नहीं होगा तो फिर आगे हम इसमें विचार करेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।